हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MI टेक्निकल ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो देखिए स्टूडेंट के बारे में नहीं होने वाली है और आज हम दिखाएंगे आपको इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या हुआ है, पहले से क्या संशोधन हो चुका है और आगे दिखाएंगे कि इंस्टीट्यूट में एक पार्टी भी है। और आज संडे का दिन है तो क्लास बंद है तो हम आपको बच्चों से भी तो मिलवा नहीं सकते और क्लास वगैरह भी दिखाएंगे। देखिए इस प्रकार से ये ऑफिस का लुक है। ये अभी ऑफिस नहीं है, बाहर की सीन है, बाहर की सीन। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने दिखाया था तो ये जो पीछे लिखा वगैरह है ये सब नहीं था और ये स्टिकर वगैरह जो लगे ये सब भी नहीं था। और अगर हम पीछे की सीन दिखाएं आपको, देखिए ये जो पीछे सीढ़ी आप देख रहे हैं ये मेन सीढ़ी है। मेन का मतलब एकदम बाहर जो रोड से आएंगे, देखिए गाड़ी वगैरह खड़ी है ना वो अपनी, तो यहां से एंट्री करेंगे और बाकी यहां पर पीने के लिए पानी है और ये सारी व्यवस्था है। देखिए यहां पर जब आप क्लास में एंट्री करते हैं हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, काफी अच्छे से दिखा पाएंगे। इस प्रकार से देखिए ये यहां से लुक आएगा और ऐसा यहां पर ये ऑफिस का गेट है और बाकी अगर जो बच्चे क्लास करते हैं तो यहीं से अंदर जाते हैं साइड से, तो हम आपको उस गली में भी लेके जाएंगे। सबसे पहले हम ऑफिस का लुक दिखाते हैं। जैसे आप आएंगे तो यहां से एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद देखिए ये जो देख रहे हैं आप पूरी खाली एरिया, और ये जो एरिया ये रिसेप्शन एरिया बनने वाली है। अभी बाकी इसमें कुछ काम चल रहा है, थोड़ी सी काम हुआ है, काउंटर वगैरह अभी काम पे चल रहे हैं। और बाकी देखें यहाँ DVR लगा, यहाँ पे कैमरा और लाइट यहाँ है, लाइट अभी बंद की गई है तो उजाला लेकिन काफी अच्छा आ जाता है। और ये देखिए ये रिसेप्शन एरिया हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से गेट है, गेट को देखिए यहां से पुश करेंगे, धक्का देंगे तो ये खुलेगा। ये मेन ऑफिस होगी, मेन ऑफिस लगभग बन चुकी है। देखिए छोटी सी पार्टी हमने बताया था तो ये गुब्बारे वगैरह इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो इस प्रकार से देखिए यहां पर, और ये यहां का लोगो वगैरह लगा हुआ है। देखिए इस प्रकार से ऑफिस का फ्रंट लुक हम आपको पूरी बढ़िया से दिखाते हैं। तो देखिए ये ऑफिस ये अभी नई बनी हुई है, अभी कल परसों में तैयार हुई है और बाकी अभी भी इसमें काम बाकी है तो हम वो भी आपको दिखाएंगे कि जब बन जाएगी इसकी फाइनल हो जाएगा तो भी दिखाएंगे। देखिए इसमें आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, मतलब इसमें शोरगुल जैसी कुछ नहीं, बिल्कुल शांति है। और यहाँ पर देखिए कैमरे लगा हुआ है, जो कैमरा अपने इंस्टीट्यूट के अंदर जो क्लास वगैरह में लगे हुए हैं देखिए यहाँ पर वो कैमरे लगे हुए हैं। देखिए पार्टी का ये कैमरे में नीचे शो कर रहा है आपको, देखिए वहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम आपको दिखा देंगे। और इस प्रकार से देखिए ये ऑफिस है और ऑफिस के बाद यहाँ से साइड से ही देखिए ये पैक है, लेकिन फिर भी यहाँ से हमें एक गेट मिल जाता है। अगर हम क्लास रूम में जाना चाहते हैं तो यहीं से हमें क्लास रूम के लिए डायरेक्ट एक गेट मिल जाता है, जो कि देखिए बाहर से आते तो हम इस गली से आते और यहीं से इस गली के बाद देखिए यहाँ से एंट्री करेंगे और इस प्रकार से अंदर क्लास रूम हमारा होगा। तो क्लास रूम दिखाते हैं आपको, तो यहाँ से दिखाते हैं क्लासरूम। देखिए क्लासरूम का कुछ लुक इस टाइम इस प्रकार से है। यहाँ पर AC वगैरह रखी हुई है और यहाँ पर देखिए गैस सिलेंडर वगैरह, जो भी बच्चे स्टूडेंट रहते हैं हॉस्टल में तो उनके लिए ये व्यवस्था है। बाकी देखिए यहाँ पे काउंटर, यहाँ पे क्लास चलता है, विंडो AC 3 उस साइड में रखी हुई है और देखिए यहाँ पर भी AC रखी हुई है। ऐसे ही AC इधर उधर रखी रहती हैं क्योंकि डेली का प्रैक्टिकल होता है। सामान को सजाना तो देखिए जिन घर में बच्चे नहीं होते हैं ना तो वहाँ पर सजा हुआ सामान रहता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सब इधर उधर बिखरा रहने का कारण क्या है कि डेली कुछ ना कुछ होता रहता है इधर उधर, तो संभालते में भी ये दिक्कतें होती है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी जो दुकान की तरह दिख रहा है ये अपने इंस्टीट्यूट के लिए प्रैक्टिकल के लिए रखा हुआ सामान है। बाकी देखिए जैसे गैस, एंटीमोस, टूल्स, PCB, ये बहुत सारी सामान इधर उधर रखा जाती थी तो ढूंढने में बहुत परेशानी होती थी, कि मतलब सामान रहते हुए भी खोजने में देरी होती थी, इसलिए ये चिपका दिया गया ताकि अब खोजने में आसानी होगी। जल्दी से क्या क्या चाहिए आपको दिखाएं, जैसे आप भी अपने दुकान पर अगर लगाना चाहें, PCB मल्टीमीटर इसमें रहेगा, जैसे वैक्यूम पंप, वॉशिंग मशीन के पार्ट है, AC फ्रिज के पार्ट है, टूल्स इधर रखे जाएंगे, गैस, एंटीमोस्ट, एंटी चोक, तेल जो कुछ लिक्विड में वो सब इसमें रहेगा, सर्विस वैक्यूम पंप इधर है, और देखिए स्विच, इंटीग्रेटर है, बोर्ड है, मोटर बाइंडिंग के सामान सब उधर रहेगी और चार्जिंग लाइट के सामान, जैसे जैसे सब सामान हैं तो इसको इस प्रकार से इसमें रखना है। ये RO वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ से अगर हम क्लास से एंट्री और आगे करते हैं तो अंदर का क्लासरूम हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से जब एंट्री करते हैं देखिए ये तो हमारा अभी फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, इसके बगल में हमारा दूसरा भी क्लासरूम है। अभी देखिए ये क्लासरूम पहले नंबर 2, यहाँ पर देखिए ये मोटर बाइंडिंग की मशीन रखी हुई है, क्लासरूम नंबर 2 इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर ये कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह, जैसे नॉर्मल वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये सब भी रखा हुआ है यहाँ पर। और टूल्स देखिए पहले इस पर रखे जाते तो उसको उधर सरिया दिया गया, बाकी जो कुछ अभी देखिए यहाँ पे ऐसे कबाड़ा की तरफ पड़े हुए हैं ना, कारण ये है कि डेली कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ इधर उधर होता रहता है, मोटर बाइंडिंग या जो कुछ, तो इसीलिए इन सब में टाइम लगती है। तो चलिए अभी देखिए ये क्लासरूम से पीछे ये पिछली साइड है और यहाँ पर होता है हमारा लाइव और जो भी ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है तो इसी में एक पार्टी भी हो रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए अभी आज का क्लास चला हुआ है और क्लास चलने के बाद बच्चे ऐसे ही सामान को छोड़ के चले गए, लेकिन हम इन लोग इसको उठा के रख देंगे और फिर बाकी सही से सरियाना होगा, सही से रखना होगा। तो बाकी देखिए अभी मोटर बाइंडिंग का प्रैक्टिकल चल रहा है एक बैच में, तो इस प्रकार से है। और यहाँ पर देखिए लास्ट क्लासरूम, ऑनलाइन क्लास यहाँ से चलती है, ऑनलाइन क्लास, और ये अभी एक पार्टी हो रही है यहाँ पर, और पार्टी के बारे में अभी हम आपको बताते हैं लास्ट में कि ये किस बात के लिए पार्टी हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो खुला हुआ है यहाँ पर, ये छोटी सी पार्टी के लिए केक वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है और देखिए ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे। और पार्टी के बारे में अभी हम आपको बताते हैं आगे कि क्या होने वाला है यहाँ पर। देखिए ये हमारे अनिल सर और ये दिनेश सर और उसके बगल शंकर यादव और उसके बाद क्या नाम है सर आपका, कौन शर्मा, अरुण शर्मा ऑफिशियल, इतना फास्ट बोल रहे हैं यार कि सुनाइए नहीं दे रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर कैमरामैन शंकर यादव ऑफिशियल के भाई ब्रदर और ये आदर सर और उसके बगल में
अरविंद विश्वकर्मा फर्नीचर वाले, जो कि ये सारे जो मेज ब्रेंच देख रहे हैं ना आप, ये जो काउंटर वगैरह लगा है ये सब इन्हीं की देन है, और ये देखिए टूट भी रहा है तो ये इन्हीं की देन है, तो ये सारी व्यवस्था है। चलिए आगे बने रहिए, आगे दिखाते हैं। आज है शंकर यादव ऑफिशियल हमारे पास आए हुए हैं और इनका 100K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, मतलब 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी हो रही है, तो हम लोग पार्टी में देख रहे हैं इनका। देखिए चैनल ये था शंकर यादव ऑफिशियल नाम से, और यहाँ पर देख पाएंगे 102K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1,02,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। काफी मेहनत के बाद इनके सब्सक्राइबर पूरे हुए और काफी अच्छे खासे व्यू भी आते हैं, 7 मिलियन 8 मिलियन 5 मिलियन ऐसे खासे व्यू भी आते हैं। तो आप लोग इनके चैनल को चाहे तो देख सकते हैं, काफी व्यू भी आते हैं, तो मतलब वीडियो अच्छी होगी, तो आप इनको देख भी सकते हैं। और बाकी इनसे हम खुद जान लेते हैं थोड़ी बहुत कि ये क्या कैसे वीडियो बनाते हैं, क्या आप इनकी वीडियो अगर देखेंगे तो आपको क्या फायदा होने वाला, या जो स्टूडेंट देखते हैं उनको आप क्या फायदा देते हैं उससे, उसी के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। आज हमारा 100K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं शंकर यादव, और मेरे चैनल का नाम है शंकर यादव ऑफिशियल, तो मैं इलेक्ट्रीशियन से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जैसे पंखे का बोर्ड वायरिंग और हाउस वायरिंग, सारे इलेक्ट्रीशियन से ही संबंधित, टेक्निकल से ही संबंधित वीडियो हमारी रहती है। और अगर आप लोगों को बोर्ड की वायरिंग सीखनी है या हाउस वायरिंग सीखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके एकदम आसान तरीके से सीख सकते हैं, और हमारे जो वीडियो से आप बहुत चीज़ सीख सकते हैं, जैसे वाईफाई से एक नया स्विच आया हुआ है, आप उसे मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह ऑन ऑफ किया जाता है, जल्द ही वीडियो हम लाने वाले हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिए, आगे देखते हैं प्रोग्राम की पार्टी। हाँ हाँ।